फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ माई प्लांट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो आप देख ही रहे हैं वीट ग्रास के ऊपर है। आपको बताऊंगा ये जो वीट ग्रास है कैसे लगानी है। दोस्तों, ये जो वीट ग्रास है बड़ी ही ताकतवर आइटम है। दोस्तों, क्या है कि इसके अंदर इतने ज़्यादा तत्व होते हैं कि ये कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर देती है। पर इसको लगाने का तरीका सही होना चाहिए दोस्तों, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने लगाया हुआ है वीट ग्रास, आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको अलग अलग तरीक़ों से लगाया हुआ है डे बाई डेज। जैसे सबसे पहले ये लगाया, उसके बाद ये वाला लगाया था, और इसके बाद जितनी ही आपने यूज़ लाइट करनी है। तो इसको जो यूज़ किया जाता है सिर्फ एक बार ही यूज़ किया जाता है, कट करके बार बार नहीं यूज़ किया जाता। तो आप एक दिन के बाद ऐसे लगाएं जैसे आपने यूज़ लाइट करना है। और इसके लिए जो मिट्टी यूज़ करनी है वो भी स्पेशल ही होती है दोस्तों, जो कि हमें किसी दूर एरिया से लेके आनी होती है जहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती, जैसे कि जंगल या कोई नहर वगैरह या नदी वगैरह के आसपास से ही लेके आए मिट्टी। दोस्तों, आप भी, मैं तो वहीं से लेके आया हूँ, अगर हो सके तो आप भी वहीं से लेके आए तो इसका जो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं इसको लगाना कैसे है। जैसे कि दोस्तों, अब हमारे पास वीट ग्रास के लिए जो कनक होती है, ये कनक से लगाई जाती है, जो गेहूं होते हैं। तो इसको क्या करना है, जो हमारे घर में गेहूं होते हैं वो ही ले लें, स्पेशल कोई ऑर्गेनिक तो बहुत कम ही मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ढूंढने पर मिलते हैं या मंगवाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने वही लिए हैं। तो मैंने क्या किया, इसको 2 लीटर पानी में जैसे गेहूँ भिगोए थे और इसको निकाल के इसके अंदर डाल दिया था, रात एक दिन भिगोए और एक दिन इसके अंदर। और इसका जो देख सकते हैं पंगराव स्टार्ट हो चुका है। तो क्या करना है, इसके अंदर जो मिट्टी मैं लेके आया था अब मैं वो लगाने वाला हूँ। ये देखें, इसको इतनी बड़ी ट्रे बहुत है, आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा डिस्पोजल जो बाउल से होते हैं उसमें ही यूज़ लाइट किया है। बस ज़्यादा मिट्टी बिल्कुल ना डालें, थोड़ी सी ही मिट्टी डालें दोस्तों। और इसके ऊपर हम ये वाला ऐसे खना दें अच्छी तरह से। देखो, मैंने मिट्टी बहुत ही ज़्यादा कम डाली है, ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं डाली। तो इसको अभी जो ये सीड है गेहूं के, इसको हम मिट्टी से कवर कर देंगे। इसको जो रखना है तो आप शेडेड एरिया में ही रखें, सिर्फ हवा आती हो जहाँ पे, थोड़ी सी सनलाइट ना धूप ना पड़ती हो डायरेक्टली। और इसके ऊपर मैं पानी की स्प्रे कर दे, बस पानी की स्प्रे इसी चीज़ से करें आप, फुवारे से ही डायरेक्ट पानी ना डालें क्योंकि ज़्यादा पानी डल जाएगा इसके ऊपर। तो ये अब 2-3 दिन के बाद इस तरह से देखें आप उगना स्टार्ट हो जाएंगे। और हम इसको कट करके आप इसका जूस निकाल लें, जूस निकालना है इसका। तो आप निकालते काट जिस तरह आपने इसको कट करके निकाल के साथ ही ले लेना है, ना कि आपने इसको रखना है, और लें सुबह टाइम ही आप इसका। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें प्लीज़, और जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं आप में। नमस्कार दोस्तों।